बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक गांव में आए हुए हैं जिसके चारों अतराफ आप देख सकते हैं फसलें ही फसलें हैं, लेकिन इस मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि किसान चाहे जितनी मेहनत करे, जानवर पालें, फसलें उगाएँ, ठीक है ना जी, तो फिर उनको पूरा सारा जो है ना वो प्रॉफिट हासिल होता है। तो ऐसे ही किसी एक घराने में, जिस घर में हम जा रहे हैं उनकी तो अपनी ज़मीन नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जो है ना सवाल करते हैं कि माशाल्लाह इतना ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, इलाका पंजाब का बहुत ज़रखेज़ है, तो वहाँ के लोग कैसे गरीब हो सकते हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे अजीब रूल्स हैं, पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसके तहत जो ना किसान कभी भी सहारा नहीं उठा सकता। तो चलिए जी, ये बच्चा आ गया है, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह, तबीयत ठीक है? आपकी बच्ची बीमार थी, उनकी तबीयत कैसी है? अल्लाह की रहमत, ठीक है, कुछ ना कुछ बेहतर है, कुछ शुक्र शुक्र है अल्लाह, इलाज हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। होने वाला है, रहीम जा रहा हूँ। रहीम गए थे आज शहर, क्या कहते हैं वो, ठीक हो जाएगा? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अल्लाह रहम फरमाए इनकी जी बेटी। मुझे भी चीज का है नहीं। क्या नहीं है? पैसे नहीं। ये कहते जो मेन चीज होती है ना पैसे, वो हमारे पास नहीं है। तो मेरे पास मंजी मेरा ढुपका खड़ा हो जाए ना, सही मैं पिड़का देना। अच्छा, बच्चों को नमाज कर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इनकी जी जवान साला बेटी जो इनके जो हैं, उन जहाँ पर वो शादी हुई वो इनका इलाज नहीं करा रहे, तो ये खुद जो है ना कुछ जानवर वगैरह चलाते हैं, कुछ किसी ने इनको लाके भी दिए हैं और उसी का दूध वगैरह बेचकर घर का सर्कल चलाते हैं। तो इनकी बेटी बीमार हुई तो हमने इनका अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प की, तो अब ये कहना उनका इलाज अभी जारी है। इनके घर चलते हैं जी। ये सामने आपको इनका घर नजर आ रहा है, ये जानवर पालते हैं लोगों के और उनका दूध वगैरह बेचते हैं, या जानवर जब बड़े हो जाते हैं बेचना चाहें तो वो बेचते हैं। ये जानवर भैंसे हैं, ये सारा दिन चराते रहते हैं, बहुत सही बहुत सागर, ये सारा दिन जो है ना चराते रहते हैं। और इनका कमरा जो है ना ये है, ये इनके कमरे हैं, हवेली नहीं है। एक हैंड पंप इनको अल्हम्दुलिल्लाह लगवा दिया था। तो ये मोरिंगा का दरख्त है इनके घर के सहन में। तो ये जानवर सब हिस्सों के हैं जी जी, आधले पे। हाँ, आधल हिस्सों का जो हम कहते हैं। माजे साजे। अच्छा अच्छा अच्छा, इनको बेच नहीं सकते उनकी इजाजत के बगैर? नहीं नहीं, उसको पूछूं ना खर्चन खरीद कर फूला। सही, फिर जो बेचने देंगे, अदरवाइज वो उनकी इजाजत के बगैर नहीं बेच सकते। जरूरत के तहत इनको बेचना था ताकि अपनी बेटी का इलाज कर सकें, तो जो है ना फिलहाल इनका जो दूध दूध बेचकर गुजारा करते हैं, दूध बेचकर। अच्छा 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 अच्छा, चले चले ठीक। ये इनकी बेटी है जो बीमार है, तो सीने पर इनको एक फोड़ा है, तो उनका इलाज ये कह रहे हैं कि अभी तक जो है ना बताया कि रिकवर हो जाएगा। ब्रेस्ट वाले का जो ना वो जो मसला होता है, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए, वो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, वो मसला नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो ये रख लें जी, ये हम फ़िलहाल ये रख लें, आप इंशाल्लाह लजीज़ हम आपकी जो हो सकेगा मज़ीद आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कोई और बात करनी है आपने? कोई और बात करनी है आपने? गरीब इमदाद करो साढ़े बाद। ठीक ठीक ठीक, कमरा कमरा ही बनाना, कमरा कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर वो कमरा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जानवर बांधते हैं और ये जो है यहाँ पर ये रिहायश अख्तियार करते हैं। चलें जी, ठीक है बाबा जी, कमरे भी कोशिश करा, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। तू आ गया, देख ही सकते हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, देख ही सकते हो, देख लिया घर आपका। ये भी इनका बेटा है, ठीक है जी।